तुम आँख बंद कर सकते हो, तुम्हें तब भी कुछ रोशनियाँ दिखाई देती हैं। उसको तुम बोल सकते हो द लाइट ऑफ डार्कनेस। तुम मुंह में कुछ भी मत रखो तो भी मुंह में कुछ स्वाद होता है। उसको तुम बोल सकते हो द टेस्ट ऑफ एम्प्टीनेस। तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब क्या है, क्या है, कुछ नहीं, फालतू का बुद्धि विलास। मेडिटेशन किसी बाहरी या किसी अंदरूनी आवाज पर थोड़ी ही करा जाता है पागल। मेडिटेशन का ताल्लुक मेडिटेटर की हालत को उठाने से है। जो भीतर बैठा है ध्यानी, वो चाहे किसी बाहरी आवाज को सुने या जो ये कान में खुचर खुचर चलती रहती है इसको सुने, फर्क क्या पड़ता है। बिल्कुल ठीक बोला तुमने, व्हाइट नॉइस है एक तरह की, जिसका ताल्लुक भीतरी न्यूरल नेटवर्क से है। इसके लिए तो तुमको जाना चाहिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तुमको बता देगा कि जो कान में आवाज़ चलती रहती है इसकी इसकी कोई आध्यात्मिक महत्ता कहाँ से हो गई। मैं हैरान हूँ ये सोच करके कि इसको कोई किसी आध्यात्मिक विषय वस्तु की तरह पेश भी कर सकता है। आप सब आंखें बंद करिएगा, आंखें बंद करिए। कुछ रोशनी सी दिखाई पड़ रही है कि नहीं? तो वो क्या है, वो स्वर्ग का प्रकाश है। वो क्या हो गया? अच्छा, आंख बंद करके इधर दबाइएगा, यहाँ यहाँ नाक के जहाँ पे नाक और आँख मिलते हैं उस जगह दबाइएगा। आँख के दूसरे कोने पर चक्र खड़े हो गए कि नहीं? तो ये दिव्य चक्र हैं। आपका अक्ष केंद्र जागृत हो गया है, अक्ष चक्र। तो कुछ नहीं है, ये तो शारीरिक बायोलॉजिकल फिजिकल गतिविधियां हैं। तो कोई बहुत मूर्खता की बात है इनको कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देना। देखिए, ये सब कुछ किया क्यों जाता है? ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आप असली ध्यान से बच सकें। असली ध्यान क्या है, बहुत बार कह चुका हूँ, फिर एक बार दोहराई देता हूँ। असली ध्यान है जिंदगी की, मन की अड़चनों को, तकलीफों को गौर से समझना, मुक्ति के उद्देश्य के लिए। देख किसको रहे हैं ध्यान में? जो सामने तथ्य है, यथार्थ है, जमीनी वास्तविकता जो है उसको देखा जा रहा है, देखा उसको जा रहा है। और लक्ष्य क्या है? मुक्ति। तो ध्यान है ये मेरे हाथों में बेड़ियां हैं, मुझे हथकड़ी डाल दी किसी ने। ध्यान है इस हथकड़ी को बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से देखना, बहुत बहुत गौर से देखना, परीक्षण भी करते रहना इसका। किस लिए? इसलिए नहीं कि मुझे सुहाग आई है, कि मुझे इसको रंगना है, गोल्ड को